हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल भीके सर मस्ती में। आज हम लोग एक और नए मुद्दे पर बात करेंगे। वह मुद्दा क्या है, उस मुद्दे का नाम है, आप लोग थंबनेल देख के समझ चुके होंगे, उस मुद्दे का नाम है कि क्या पिता अपने पूरे प्रॉपर्टी को किसी एक बेटे या किसी एक बेटी को पूरा प्रॉपर्टी दे सकता है या नहीं दे सकता है। अगर देता है यस या नो, अगर देता है तो किस कंडीशन में देगा, अगर नहीं भी देता है तो किस कंडीशन में नहीं देगा, इस सारी कंडीशन के बारे में आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर वीडियो चैनल पर नया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब पहले से कर रखे हैं तो हमारे तरफ से वेलकम, धन्यवाद। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करके बताते हैं कि इस कंडीशन में क्या है और क्या क्या नहीं है। तो सबसे पहले जानेंगे कि कंडीशन, किस कंडीशन में पिता अपने पूरे प्रॉपर्टी को किसी एक बेटे के नाम से दे सकता है और किस कंडीशन में नहीं दे सकता है। तो कंडीशन नंबर वन बात करते हैं। तो कंडीशन नंबर वन में हम आपको बता रहे हैं कि कंडीशन नंबर वन में होगा कि अगर कोई पिता, उसका अगर मान लीजिए कि चार लड़का है, अगर एक लड़का को प्रॉपर्टी सारा दे दिया और तीन लड़के को नहीं दिया है तो किस कंडीशन में दे दिया है, इसको आप जानिएगा। ये गाँव देहात में अक्सर हुआ होता है और होते रहेगा, लेकिन अब अगर आप जान लेते हैं तो नहीं होगा। देखिए कैसे नहीं होगा। कंडीशन नंबर वन होता है कि सेल्फ प्रॉपर्टी, क्या होगा आपका, सेल्फ प्रॉपर्टी। सेल्फ प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जो पिताजी अपने से कमाए होंगे या उनके पास पैसा होगा, गाड़ी होगा, बहुत सारा घर होगा, अपना मतलब जमीन खरीदे होंगे अपने नाम से, अपने कमाई के वजह से, तो जितना प्रॉपर्टी जो अपना सेल्फ अचीवमेंट किए होंगे, सेल्फ मतलब बनाए होंगे, उस प्रॉपर्टी को किसी एक बेटे के नाम से दे सकते हैं या बेटे को नहीं दे करके किसी तीसरे को भी दे सकते हैं, अन्य व्यक्ति को भी दे सकते हैं, किसी नाती के भी दे सकते हैं, किसी बेटी को भी दे सकते हैं, किसी दामाद को भी दे सकते हैं। इसमें कोई लेन देन, किसी की झंझट, कोई रुकावट नहीं हो सकता है। इसमें बेटे कोई अरंगा नहीं लगा सकते हैं, चारों बेटा में से कोई नहीं लगा सकते जो अपना पर्सनल सेल्फ अचीवमेंट किए होंगे, परचेज किए होंगे। बात समझ रहे हैं, कंडीशन नंबर वन है। तो जो अपना मतलब कहा जाए देहाती भाषा में कि जो अपने से वो पूरा तैयार किए होंगे, जो जो सिस्टम को, उस सिस्टम को किसी को दे सकते हैं, उसका मालिक वो है। बात समझ गए। अब आते हैं कंडीशन नंबर टू। कंडीशन नंबर टू होता है पैतृक संपत्ति। पैतृक संपत्ति, पैतृक संपत्ति मतलब समझते हैं, पैतृक संपत्ति का मतलब होता है कि परदादा जी का जमीन या घर चला आया पिताजी पर, और पिताजी का जमीन फिर बट गया चारों भाइयों पांचों भाइयों में, और किसी के नाम पर प्रॉपर्टी चढ़ा नहीं, तो मतलब परदादा मर गए तो दे दिए दादा को, दादा मर गए दे दिए अपने बेटे को, बेटे अपने अपने में बांट करके क्या कर रहे हैं, बो रहे हैं, जोत रहे हैं, खा रहे हैं, घर वार बना लिए, उसी में रह रहे हैं, खुश है। तो इस चीज को, इस प्रॉपर्टी को जो पैतृक संपत्ति है, वो किसी एक बेटे के नाम पर नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। उसमें बेटे का हक होगा, पोते का हक होगा। मान लीजिए कि दादाजी बेटे को दिया और बेटा पोते को नहीं देना चाहता है, तो पोता डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट दादा वाला जो जमीन होगा उसमें उसका हक हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। अगर नहीं दे रहे हैं तो उसमें आप पार्टीशन साइट लगा करके, पार्टीशन साइट दायरा लगा करके आप कचहरी से, कोर्ट से अपना हिस्सा ले सकते हैं। इसमें कोई रुकावट नहीं होगा, कोई आपको बेदखल नहीं कर सकता है। लेकिन अगर पर्सनल अचीवमेंट किया तो उसमें बेदखल कर सकते हैं। लेकिन कोई खानदानी है, कोई पैतृक है, कोई पुश्तैनी जगह जमीन है, घर द्वार है, कोई मतलब वाहन है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, पैतृक पुराने, उसमें बेटा का भी होगा, पोता का भी होगा, अब पोता का डायरेक्ट होगा, उसमें कोई बेदखल नहीं कर सकता है। तो पैतृक संपत्ति को पिता अपने किसी एक पर्सनल बेटे को नहीं दे सकता है, न किसी बेटी को दे सकता है, न किसी दामाद को दे सकता है, किसी नाती को दे सकता है, नहीं दे सकता है, क्योंकि जब भी होगा उस खानदान के वारिस को ही होगा। लेकिन पर्सनल जो किए होंगे वो दूसरे को हो सकता है। बात समझ रहे हैं। तो कंडीशन नंबर दो समझ गए कि जो खानदानी होगा, पुश्तैनी होगा, वो में नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो सेल्फ होगा, जो पर्सनल किए होंगे, वो दे सकते हैं। तो आई बात के आप लोग समझ चुके होंगे आई होप कि कब देंगे और कब नहीं देंगे। तो अगर वीडियो आप समझ चुके होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब अगर नहीं किए होंगे तो जाते जाते से याद दिला दे कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर, किसी नेक्स्ट मुद्दे पर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले, जय हिंद, जय भारत।